अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बनाने जा रही हूँ मटन कीमा भरवा पलवल। इसके लिए सामग्री चाहिए 600 ग्राम कीमा, 10 पटल, हरा धनिया, 5 प्याज, तेजपत्ते, लहसुन छोटा टुकड़ा, अदरक का 5 हरी मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 5 छोटी इलायची, 5 लौंग, 2 चाय चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच सरसों कश्मीरी मिर्च, 1 चम्मच जीरा काली मिर्च, 1 चम्मच तीखा मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक टेस्ट के लिए और सरसों तेल। देखिए तेल गर्म हो गया है और उसमें प्याज डालूंगी। जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन होता है यहाँ कीमा में सारे सामान डालूंगी। सब मसाला इसमें मिला दिया है, ये कीमा में डालूंगी। थोड़ा मसाला रखूंगी बिरयानी में डालने के लिए। नमक, सारे मसाले, हरी धनिया, पलवल का गूदा, प्याज और हरी मिर्च सब हैंड मिक्सर में पीस लिया है दरदरा। और सरसों तेल, सरसों तेल 2 चम्मच, अब सबको मिक्स करूंगी। इसमें लहसुन अदरक सब डाला गया है, गरम मसाला भी है और सरसों तेल भी है। देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसमें मसाले डालूंगी। प्याज काट के रखा है वो डालूंगी, तेजपत्ते डालूंगी, नमक, थोड़ी देर मसाला को भूनूंगी। अब पलवल में कीमा डालेंगे। देखिए इस तरह से सारे पलवल कीमा से भर दूंगी। मिलती हूँ 5 मिनट के बाद। देखिए सारे पलवल भर लिए हैं कीमा से, अब जो बच गया है उसका मैंने कोफ्ता बना दिया है। अब सब कुकर में डालूंगी बारी बारी से। सबसे पहले ये डालना है इसमें। मसाला को ज्यादा भूनना नहीं है, बस अच्छी तरह से बॉयल हो जाए बस। अब डालूंगी पलवल ऊपर से। दो सीटी लगाना है उसके बाद ये खाने के लिए तैयार है।
हाई फ्लेम पे दो सीटी लगाना है, इसे चलाना नहीं है, टूट जाएगा। हाई फ्लेम पे दो सीटी लगाना है। देखिए कीमा भरवा पलवल तैयार है सर्व करने के लिए। अब गैस बंद कर दूंगी। अब इसमें निकालूंगी। आपको मेरा कीमा भरवा पलवल पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोफ्ता भी डाल देती हूँ दो चार। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। थोड़ा ग्रेवी डाल देती हूँ। थैंक यू। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी बताएं। थैंक यू। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।